हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूं किसी और आप देख रहे हो राधे बीट्स। और आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले OPPO A55 की अनबॉक्सिंग के बारे में। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखे रहे, और आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो हम आप तक पहुँचाते रहे। तो आइए चलिए देखते हैं। दोस्तों ये है हमारे पास ब्रांड न्यू OPPO A55 का बॉक्स, जो कि कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। और गैस यहाँ पे आप देखोगे तो OPPO A55 लिखा हुआ है, और गैस बैक साइड पे कुछ डिटेल्स दी गई हुई है जो मैं वीडियो में आगे आपके साथ शेयर करने ही वाला हूँ। तो फ्रेंड्स फटाफट से इस बॉक्स को मैं ओपन करता हूँ और देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या कुछ कॉन्टेंट देखने को मिल जाता है। तो गैस जैसे हम बॉक्स को ओपन करते हैं तो यहाँ पे और एक बॉक्स देखने को मिल जाता है, ठीक उसके नीचे आपको एक सेक्शन देखने को मिल जाता है। तो गैस सेक्शन के अंदर आपको एक सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाता है, यानी कि आपको सिम कार्ड वगैरह चेंज करना है तो आप बड़े आराम से कर पाओगे। फिर दोस्तों एक क्विक गाइड, यानी कि इस फोन को कैसे यूज़ करना है, वो सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो आप चाहो तो इसको भी रीड कर सकते हो। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको एक बैक केस देखने को मिल जाता है, यानी कि ट्रांसपेरेंट है, तो ऑब्वियसली 2-3 महीने यूज़ करने के बाद ये पीला पड़ जाएगा, लेकिन इस फोन के साथ आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाता है, तो ये एक अच्छी बात है। तो गाइज अब बारी आती है फाइनली OPPO A55 की। फिलहाल इसको रखते साइड में और देखते बॉक्स के अंदर में क्या कुछ देखने को मिल जाता है। तो गाइज जैसे ही आप नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ आपको एक 18 वाट का चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि इस फोन को चार्ज करेगा। फास्ट तो नहीं कहूँगा लेकिन ठीक ठाक है 18 वॉट। और गाइस यहाँ पे आपको एक USB टाइप ए टू USB टाइप सी डेटा केबल देखने को मिल जाती है, जिससे आप अपना फ़ोन जो है चार्ज भी कर पाओगे और डेटा ट्रांसफ़र भी कर पाओगे। तो दोस्तों फाइनली अब बारी आती है OPPO A55 को ओपन करने की, यानी कि जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो OPPO A55 का फर्स्ट लुक कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। लुक एट दिस गाइस, बहुत ही अच्छा लग रहा है, यानी कि ये जो कैमरा डिज़ाइन है वो थोड़ा बहुत चेंज किया हुआ है OPPO ने। और गाइस जैसे आप हाथ में पकड़ोगे तो आपको बल्की फील नहीं होगा, यानी कि अच्छा फील होगा। और गाइज यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जहाँ पे प्राइमरी कैमरा है 50 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल मोनो कैमरा प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस। तो गाइज के 2-2 मेगापिक्सल वाले आप कैमरा यूज़ करते हैं कमेंट में ना जरूर से बताना। और गाइज बात करते हैं नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आपको एक OPPO की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और फ्रेंड्स इस फोन के राइट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, ऊपर की तरफ पूरा क्लियर है। लेफ्ट साइड में दोस्तों वॉल्यूम रॉकर देखने को मिल जाती है, ठीक उसके ऊपर आपको एक सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाती है, टूल कहाँ सिम ट्रे देखने को मिल जाती है। तो सिम ट्रे को ओपन करके देख लेते हैं, तो गाइस यहाँ पे आपको ट्रिपल स्लॉट सिम ट्रे देखने को मिल जाती है, यानी कि 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड इस फोन में आप लगा पाओगे। और फ्रेंड्स नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 3.5 mm हेडफोन जैक, प्राइमरी माइक्रोफोन, USB टाइप सी पोर्ट और एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाता है। और गाइस बात करते हैं इस फोन के फ्रंट साइड की, यानी कि यहाँ पे आपको 6.51 इंच की HD प्लस पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जहाँ पे लगा हुआ है 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा। और गाइस इसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो 89.2% है। और गाइस बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर की, तो यहाँ पे जो प्रोसेसर है MediaTek Helio G35 प्रोसेसर लगा हुआ है, जो कि Android 11 पे बेस्ड है। और दोस्तों बात करते हैं इस फोन की बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी भी देखने को मिल जाती है। और दोस्तों बात करते हैं इस फोन के वेट की, तो यहाँ पे आपको 190 ग्राम का ये फोन देखने को मिल जाता है, यानी कि 190 ग्राम का ये फोन है। और दोस्तों बात करते हैं इस फोन के प्राइस की, तो यहाँ पे जो 6GB रैम प्लस 128GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस है 17,490 रुपीज़। तो गाइस जैसे इस फोन का आप कैमरा ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, तो इस सभी ऑप्शंस को यूज़ करते हुए मैंने कुछ फोटोज़ क्लिक किए जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि OPPO A55 का कैमरा क्वालिटी कैसी है। तो आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये जो आप फोटोज़ देख रहे हो, मैंने सेल्फी रात को 10 बजे क्लिक किए, यानी कि इंडोर में बहुत सारे फोटोज़ मैंने क्लिक किए हैं। तो गाइज़ आपको कैमरे को लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, यानी कि आप देख सकते हो इसका रिजल्ट जो है वो अच्छा है। आपको रात को भी आप फोटोज़ खींचते हो, यानी कि रूम के अंदर जो हमारा नॉर्मल लाइटिंग रहता है उसी टाइम मैंने ये फ़ोटोज़ जो है वो सारे क्लिक किए हुए हैं। तो गाइज़ इसका कैमरा क्वालिटी आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट में ना ज़रूर से बताना। और क्या ये फ़ोन आप सिर्फ कैमरे के लिए ही यूज़ करने वाले हो या और भी काम में लेने वाले हो वो भी ज़रूर से बताना, क्योंकि कोई लोग होते हैं जो इसको कैमरा बहुत पसंद होता है। और फ्रेंड्स बात करते हैं इस फ़ोन के वीडियो व्यूइंग एंगल की, यानी कि इस फ़ोन के अंदर आप YouTube वगैरह देखते हो, खास करके मेरे वीडियो आप इस फ़ोन के अंदर देखते हो तो इसका वीडियो व्यूइंग एंगल आपको कैसा देखने को मिल जाता है। तो आइए चलिए देखते हैं इसका वीडियो व्यूइंग एंगल। Oh,
ये थी कहानी इसी ओप्पो A55 की। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो आई होप यू गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।